तो दोस्तों, ट्रेन जर्नी स्टार्ट होने के 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, और चार्ट प्रिपरेशन होते ही ये फिक्स हो जाता है कि उस स्पेसिफिक ट्रेन में कहाँ कहाँ तक कौन सा सीट ऑक्यूपाइड होने वाला है और कहाँ कहाँ तक कौन सा सीट खाली रहेगा। तो ट्रेन जर्नी के दौरान हर सीट हर समय ऑक्यूपाइड नहीं होता है, क्योंकि पैसेंजर्स हर स्टेशन पर चढ़ते और उतरते रहते हैं। तो कोई पैसेंजर उतरता है तो सीट खाली भी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऑनलाइन तरीका बताता हूँ, जिससे कि आप चार्ट वैकेंसी का पता कर सकते हो, चलती ट्रेन में पता कर सकते हो कि उसमें कौन सा सीट खाली है और कौन सा सीट ऑक्यूपाइड है, ताकि आप टीटी से बात करके खाली सीट का बुकिंग करवा सको। वैसे तो आप टीटी से पूछोगे तो वो भी बता देगा कि कौन सा सीट कहाँ तक खाली रहने वाला है, लेकिन एक ऑनलाइन तरीका भी है जिससे कि आप खुद से चेक कर सकते हो, और बुकिंग करना हुआ तो खुद से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो, या फिर आप टीटी से बात करके टिकट बनवा सकते हो। तो आप कभी भी ट्रेन जर्नी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई एक ट्रेन नंबर निकाल लेता हूँ। इसके लिए मैं वेयर इज माई ट्रेन ये ऐप ओपन कर लेता हूँ। ये बहुत ही यूजफुल ऐप है किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल देखने के लिए और ट्रेन का लाइव लोकेशन देखने के लिए। इस ऐप में आपको प्लेटफॉर्म नंबर तक पता चल जाता है। वैसे वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है प्लेटफॉर्म नंबर, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सही होता है। तो यहाँ पे मान लो आप दिल्ली से जयपुर के बीच में जर्नी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डिपार्चर और डेस्टिनेशन लोकेशन डाल के फाइंड ट्रेन पे क्लिक करता हूँ। और मान लो इनमें से किसी ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो ये है वो ट्रेन आश्रम एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12916। तो अब मुझे पता करना है कि इस ट्रेन में किसी स्पेसिफिक कोच में कौन से टाइम पे कौन सा सीट खाली रहेगा, कौन सा सीट ऑक्यूपाइड रहेगा, ये जानकारी मैं निकालना चाहता हूँ, ताकि कोई भी सीट खाली होने पे मैं टीटी से बात करके उस सीट के लिए अपना बुकिंग करवा सकूँ। तो इस ट्रेन के बारे में मैं जानकारी निकालना चाहता हूँ, 12916। तो यहाँ से आपको ट्रेन नंबर देख लेना है, उसके बाद आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप इसको ओपन कर लेना है। इस ऐप में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वैसे लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप ट्रेन पे टैप करोगे। यहाँ पे आपको चार्ट वैकेंसी का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। चार्ट वैकेंसी पे टैप करते ही आप इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, IRCTC.co.in। यहाँ पे बस आपको ट्रेन नेम या फिर नंबर इंटर करना होता है। नंबर मैंने यहाँ पे देख लिया था, ट्रेन नंबर टाइप करके आपको ट्रेन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जर्नी डेट चूज कर लेना है, बोर्डिंग स्टेशन आपको चूज कर लेना है, अर्थात कहाँ से आप ट्रेन पे चढ़ने वाले हो। यहाँ पे मैं मान लो दिल्ली से ही चढ़ने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझे गेट ट्रेन चार्ट पे टैप कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे अलग अलग कोच शो हो जाता है। मान लो ये थर्ड AC का कोच है B2, मैं इसमें चढ़ना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। अगर कोई सीट फुल्ली ऑक्यूपाइड रहेगा थ्रू आउट जर्नी, तो वो यहाँ पे मुझे ग्रे कलर में दिखाई देगा। अगर जर्नी के दौरान कुछ समय के लिए ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे मुझे येलो में दिखाई देगा, और अगर कोई सीट कम्प्लीटली वैकेंट रहेगा जर्नी के दौरान तो वो मुझे ग्रीन में दिखाई देगा। तो यहाँ से आप येलो या फिर ग्रीन देख लोगे कौन कौन सा सीट खाली है, और उस सीट में आप बुकिंग करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला कि कहाँ से कहाँ तक खाली है, अर्थात मैं दिल्ली से जयपुर तो जाना चाहता हूँ, लेकिन इन दोनों स्टेशन के बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, किन दो स्टेशन के बीच में खाली रहेगा स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे डेटा पता करना है। इसके लिए आप ऊपर स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे जिस भी क्लास में आपको बैठ के जाना है उसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके नीचे जो भी बर्थ डिटेल है उस पर टैप करना है। तो मान लो मैं थर्ड AC में ट्रैवल करना चाहता हूँ, मुझे बर्थ डिटेल्स पे टैप करना है जो थर्ड AC के नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड AC में कौन कौन से कोच में, यहाँ पे कोच नंबर है, यहाँ पे मुझे दो स्टेशन के बीच में दिख जाता है किस कोच में कौन सा सीट नंबर, कौन सा बर्थ है, कौन सा केबिन नंबर है जो कि खाली है। तो यहाँ से आप इस तरह से सारी जानकारी निकाल सकते हो हर कोच के लिए, हर ट्रेन के लिए, कि कौन सा सीट कब खाली होने वाला है, और आप अकॉर्डिंगली टीटी से बात कर लोगे कि ये वाला सीट यहाँ से यहाँ तक खाली रहेगा, आप मेरा टिकट बना दो, और आप टिकट बनवा के बैठ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेन का आइकन है इस पे टैप करके आप खुद से भी बुक कर सकते हो, और अगर खुद से बुक करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो टीटी तो ऑप्शन है ही।